गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास फोर्थ का इंग्लिश का टेंथ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हेलेन केलर हेलेन केलर वाज बोर्न इन 1880 इन अलाबामा इन द यूएसए हेलेन केलर का जन्म कहाँ हुआ था यूएसए में अलाबामा में 1880 में व्हेन शी वाज 19 मंथ्स ओल्ड शी फेल इल जब वो उन्नीस महीने की थी तो वो बीमार पड़ गई थी

वो कुछ भी बोल भी नहीं पाती थी क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी जो दूसरे लोग बोलते थे फॉर फाइव इयर्स दिस लिटल गर्ल लिव्ड इन अ डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड और पांच साल तक ये छोटी सी बच्ची एक अंधेरी और सुनसान दुनिया में रहने लगी शी वॉज एबल टू फील विद हर हैंड्स एंड शी न्यू दैट अदर पीपल मूव देयर टू टॉक वो अपने हाथों से महसूस तो कर सकती थी और उसे यह भी पता था कि लोग अपने मुँह से बोलते हैं शी मूव्ड हर माउथ टू बट शी डिडेंट नो हाउ टू स्पीक लाइक अदर पीपल वो भी अपना मुँह चला हिलाने की कोशिश करती थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूसरों की तरह वो बोले कैसे दिस मेड हर सैड और इससे उसे बहुत दुख होता Often she cried and shouted with anger because she couldn't make people understand her. और वो बहुत बार गुस्से से रोने लगती थी क्योंकि वो लोगों को समझा नहीं पाती थी कि वो क्या चाहती है। Helen's mother and father didn't know how to help their little girl. हेलेन के माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी छोटी सी बेटी की मदद कैसे करें। She was a clever child, but but हाउ कुड हेल्प हर लर्न वो एक बहुत ही चालाक लड़की थी लेकिन वो उसकी मदद कैसे करें शी हैड टू लर्न एवरी थिंग विद दर सेंट नो हाउ टू हेल्प हर उसे सब कुछ अपने महसूस करने की क्षमता से ही सीखना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करें उसे कैसे सिखाए एंड देन वेन हेलन वॉज नियरली सिक्स जब हेलन की थी हर टीचर के बाते बारे में पता चला जिसका नाम एनी सेलेवन हाउ टू टीच ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन, उसने अंधे और वो बच्चे जो सुन नहीं सकते उनको

उन्होंने हाथों पर ही उस, उनके वर्ड्स की स्पेलिंग उन... और जब लोग बोलते थे तो वो उनसे उनके मुंह पे हाथ रखवाती थी ताकि वो समझ पाए कि लोग बोल कैसे रहे हैं मिस केम टू लिव विदर्स और वो कैलर्स के साथ रहने आ गई एट फर्स्ट शी कु अंडरस्टैंड शुरू शुरू में वो हेलेन को समझा नहीं पाई शी टुक लिटिल गर्ल अराउंड द रूम एंड मेड हर टच थिंग्स वो उस छोटी सी बच्ची को रूम के चारों तरफ ले गई और उन्होंने उसे रूम में जितनी भी चीजें थी उसे छूने के लिए कहा शी टच अ चेयर एंड देन शी टुक एंड स्पेल द द लेटर्स ऑफ वर्ड चेयर इन द डफ एंड लैंग्वेज उन्होंने हेलेन को एक कुर्सी छुआई और फिर उन्होंने हेलेन के हाथों में चेयर की स्पेलिंग लिखी देन शी टच्ड अ टेबल एंड स्पेल इट्स लेटर ऑन हेलेंस हैंड फिर उन्होंने एक टेबल को छूने के लिए कहा हेलेन से और फिर उसकी स्पेलिंग लिखी हेलेन के हाथ में बट हेलेन डिड डिडेंट अंडरस्टैंड दैट मिसन वॉज मेकिंग वर्ड्स फॉर हर लेकिन हेलेन को समझ नहीं आया कि मिस 11 उसके लिए शब्द बना रही हैं देन वन डे मिस 11 took her into the garden फिर एक दिन मिस 11 उसे गार्डन में ले गई देयर वाज अ फाउंटेन इन द गार्डन एंड मिस 11 put helen's hand in water उस गार्डन में एक फाउंटेन था पानी का फवारा था और उन, मिस 11 ने हेलेन के हाथ उस फवारे में डाल दिए देन शी स्पेल द वर्ड वाटर एंड ऑन हेलेंस हैंड एंड सडनली हेलन अंडरस्टुड फिर उन्होंने हेलन के हाथ में पानी की वॉटर स्पेलि की स्पेलिंग लिखी और हेलन समझ गई मिस सेलेवन वॉज टीचिंग हर द नेम ऑफ दिस कोल्ड वेट थिंग ऑन हर हैंड मिस सेलेवन उसे समझा रही थी कि ये ठंडी गीली चीज क्या है उस, श उस शब्द की स्पेलिंग उसके हाथों पर लिख के

She touched a flower and made Miss Sullivan spell flower on her hand. उसने एक फूल को छुआ और मिस 11 ने उसके हाथों में फ्लावर की स्पेलिंग लिख दी। She touched everything in the garden and then ran into the house and touched other things. उसने गार्डन में तो सारी चीजें छू ली और उसके बाद वो घर में चली गई और तरह-तरह की चीजों को छूने लगी। She learned to spell 30 words that day. और उस एक दिन में ही उसने तीस शब्दों को उनकी स्पेलिंग सीख ली थी सम ऑफ द वर्ड्स और उनमें से कुछ शब्द क्या क्या थे मदर फादर सिस्टर टीचर डोर बेबी ओपन शर्ट गो एंड कम और ये सारे वो शब्द थे आफ्टर दिस हेलेन लर्न वेरी क्विकली और इसके बाद तो हेलेन ने बहुत ही जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर दिया शी learned many न्यू वर्ड्स every day एंड was ऑलवेज आस्किंग questions। वो रोज़ नए नए शब्द सीखती और नए नए सवाल पूछती शी was सून एबल टू राइट एंड also टू रीड from बुक्स स्पेशली मेड फॉर blind ब्लाइंड पीपल और वो बहुत ही जल्द पढ़ना और लिखना सीख गई थी और वो किताबें पढ़ने लगी थी जो कि अंधे लोगों के लिए बनाई गई थी देन वेन शी वॉज नाइन ईयर ओल्ड शी लर्न टू स्पीक और जब वो नौ साल की थी उसने बोलना सीखा वन डे शी स्पेल्ड ऑन मिस अलेवन हैंड हाउ डू ब्लाइंड गर्ल्स नो वॉट टू से विद देयर माउथ उसने मिस इलेवेन्थ के हाथों में लिखा कि जो अंधी लड़ बच्चे होते हैं वो कैसे पता लगाएं कि वो क्या बोलें और कैसे बोलें प्लीज टीच मी टू टॉक कृपया मुझे बोलना सिखाएं एंड मिस सिलेवन टॉट हर और मिस सिलेवन ने फिर उसे सिखाया हेलन टचड मिस सिलेवन माउथ व्हेन मिस सलेवन स्पी स्पोक मिस सिलेवन जब बात करती तो हेलन उनके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख लेती देन शी टच्ड हर ओन माउथ एंड सेड द सेम वर्ड और फिर उसने अपना हाथ अपने मुंह पे रखा और फिर उसी शब्द को बोला इट वॉज़ अ वेरी हार्ड वर्क बट एट लास्ट शी लर्न हाउ टू टॉक लाइक अदर पीपल ये बहुत ही मेहनत का काम था लेकिन आखिरकार उसने दूसरे लोगों की तरह बोलना सीख लिया शी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड क्लेवर गर्ल वो बहुत ही बहादुर और चालाक लड़की थी जब हेलेन 16 साल की थी तो उसे पांच लैंग्वेजेस यानी कि पांच भाषाएं बोलना आ गया था और 20 साल की उम्र में वो कॉलेज गई आफ्टर ग्रेजुएटिंग एट द एज ऑफ ट्वेंटी फोर शी बिकेम लेक्चर एंड अ राइटर एंड रेज्ड मनी फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ और फिर जब वो चौबीस साल की हुई वो एक लेक्चर बन गई और एक लेखक भी बन गई और फिर उसने अंधे और डेफ यानि कि वो लोग जो सुन नहीं सकते उनके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए शी डाइड इन नाइनटीन सिक्सटी एट एट द एज ऑफ एटी एट फिर एटी एट साल एटी एट की एज पे उनकी मृत्यु हो गई जो कि नाइनटीन सिक्सटी एट में हुई शी रोड मैनी बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, और उसमें से एक थी मेरी आत्मकथा